नमस्कार दोस्तों, truckbuses.com में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे बैक्सी पैसेंजर ऑटो का। बैक्सी ऑटो जो कि इंडियन थ्री व्हीलर मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है और पैसेंजर श्रेणी में खासा पसंद किया जाता है। तो आज बैक्सी एक्सप्रेस CNG वेरिएंट के रिव्यू में आपको इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन, प्राइस एवं माइलेज के साथ ही इसके लोन, डाउन पेमेंट एवं EMI की भी पूरी जानकारी देंगे। बाकी CNG ऑटो की तरह ये भी ग्रीन एंड येलो कलर में है, जो लुक वाइज भी काफी अच्छी दिख रही है। सबसे नीचे आप ग्रीन कलर पे व्हाइट में CNG की ब्रांडिंग देख सकते हैं। सेफ्टी गार्ड के साथ हेडलैम्प इंस्टॉल किया गया है। ये राउंड हेडलैम्प हैलोजन बल्ब के साथ है, जिसके साथ ही इंडिकेटर लाइट भी लगा है। गाड़ी के बीचों बीच क्रोम फिनिश्ड बैक्सी का लोगो और ब्रांड नेम है। विंडशील्ड पे वाइपर लगा है। यहाँ आप एक्सप्रेस ब्रांड नेम रेड एंड सिल्वर कलर में देख सकते हैं। विंडशील्ड काफी बड़ी है, जिससे ड्राइवर की विजिबिलिटी अच्छी रहती है। 3 ईयर वारंटी का स्टिकर भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये 3 साल की वारंटी आपको इंजन एंड गियर बॉक्स पे मिलेगा। इसके लिए आपको सर्विस रिकॉर्ड बैक्सी वर्कशॉप में होना चाहिए। ये 40 लीटर वाटर कैपेसिटी सिलेंडर इसमें लगा है, जिसमें लगभग 7.5 से 8 किलो गैस आ जाती है। इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो ये आपको लगभग 30 किलोमीटर पर केजी का बढ़िया माइलेज देती है। इस तरह से एक बार गैस फुल कराकर आप लगभग 225 से 250 किलोमीटर चल सकते हैं, जो थ्री व्हीलर पैसेंजर ऑटो के लिए एक बहुत अच्छी रेंज है। हालांकि दोस्तों एग्जैक्ट माइलेज रोड कंडीशन, गाड़ी में लोड कितना है, ड्राइवर के गाड़ी चलाने का तरीका कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ये गाड़ी का रियर लुक, यहाँ बैक्सी एक्सप्रेस की ब्रांडिंग के साथ ही CNG और BS6 का भी स्टिकर लगा देख सकते हैं। पीछे सेफ्टी के लिए बम्पर लगा हुआ है। टेल लैंप और इंडिकेटर बम्पर से थोड़ा अंदर लगे हैं, जिससे इनके टूटने फूटने का डर भी कम है। दोस्तों रेडिएटर इसमें बिल्कुल पीछे की तरफ लगाया गया है यहाँ, जिससे गाड़ी ज्यादा गर्म नहीं हो। लेफ्ट साइड में आपको पेट्रोल टैंक दिख जाएगा, जो 3 लीटर कैपेसिटी का है। CNG पंप अभी भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो पेट्रोल टैंक होने से अचानक CNG खत्म होने पर भी आप गाड़ी को कुछ दूर चला सकते हैं और आसानी से नियरेस्ट CNG स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ CNG सिलेंडर के बगल में एक साइड की 12 वोल्ट DC बैटरी लगी है। आरामदायक और चौड़ी ड्राइवर सीट है। हैंडल बार स्टेयरिंग लगे हैं इसमें। आइए अब गाड़ी ऑन करके इसके मीटर को देखा जाए। ये एनालॉग मीटर लगा है। लिफ्ट में आप स्पीडोमीटर और किलोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं। बीच में CNG स्टेटस आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये बायोफ्यूल स्विच है। पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन गाड़ी में दिए गए हैं। अगर CNG खत्म हो गई है तो आप पेट्रोल पे स्विच करके गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ हैजर्ड लाइट स्विच, ये वाइपर कंट्रोल दिया गया है। और दोस्तों यहां से आप हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस हैंडल बार स्टेयरिंग के राइट हैंड में एक स्लेटर के साथ ही हॉर्न, इंडिकेटर्स और हेडलाइट कंट्रोल दिए गए हैं। यहां लेफ्ट साइड में आपको मोबाइल होल्डर की भी सुविधा दी गई है। ये लॉकेबल ग्लोव बॉक्स दिया गया है, जिसका इस्तेमाल ड्राइवर गाड़ी चलाने के क्रम में कैश या जरूरी सामान रखने के लिए कर सकता है। दोस्तों ये केबिन लाइट जैसी सुविधा दी गई है, वो भी यहाँ नीचे राइट साइड में। रात में अक्सर हम देखते हैं कि ऑटो वाले भाइयों को कैश लेने देने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बैक्सी ऑटो ने आपकी ये परेशानी दूर कर दी है। यहाँ स्विच से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छी रोशनी है इस LED लाइट की। इधर नीचे रिवर्स गियर और चॉक कंट्रोल दिया गया है। दोस्तों इस बैक्सी एक्सप्रेस CNG ऑटो में आपको मिलता है 10 इंच का टायर। फ्रंट सस्पेंशन में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और डैम्पेनर के साथ लगाए गए हैं। सू टाइप ड्रम ब्रेक की सुविधा इस थ्री व्हीलर में दी गई है। पीछे के टायर भी 10 इंच के हैं, जो इस ऑटो को 175 mm का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं। रियर सस्पेंशन को देखा जाए तो हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, रबर कंप्रेशन स्प्रिंग भी डैम्पेनर लगाए गए हैं। यहाँ आपको पीछे गाड़ी का इंजन दिख जाएगा, जिसे आपको हम आगे वीडियो में पीछे की सीट हटाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी देखें तो ये 3 सीटिंग ऑटो है, D+3, लेकिन इसकी सीट अच्छी बड़ी और चौड़ी है, जिसपे 4 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे भी ये गाड़ी इतनी मजबूत है, इसमें जितनी चाहे सवारी बैठा लो।
आराम से खींच लेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें 400 सीसी का दमदार ग्रिप्स इंजन लगाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंजन। यहां से सीट को हटाकर काफी आसानी से हम इंजन देख सकते हैं। ये सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन आपको 10 HP पावर और 21 Nm टॉर्क प्रदान करता है। 4-speed गियरबॉक्स दिया गया है इसमें, साथ ही एक रिवर्स गियर की भी सुविधा है। स्टेपनी टायर आपको यहाँ पीछे लगा हुआ दिख रहा है। सीट के पीछे भी आपको बहुत स्पेस मिल रहा है इस गाड़ी में, जिसे आप अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी का वजन लगभग 485 किलो है और 505 किलो के जबरदस्त पेलोड के साथ इसका GVW 990 किलो का है। इस बैक्सी ऑटो का व्हील बेस 1910 mm है और इसका डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बॉडी इसकी बनी हुई मिलेगी आपको शोरूम से ही कवर्ड। एक्सेसरीज में आपको रबर मैट, फायर एक्सटिंग्विशर, स्टेपनी टूल किट आदि मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी की कीमत की। तो ये वीडियो मैं राजहंस ऑटोमोबाइल गुड़गांव में बना रहा हूँ। इनके द्वारा जो हमें प्राइस लिस्ट दी गई है, इसके हिसाब से इस ऑटो की एक्स शोरूम कीमत 284,996 रुपए है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये ऑटो आपको 316,596 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही राजहंस ऑटो के द्वारा अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो वीडियो में दिए गए कोड के साथ आइए और 8,100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही राजहंस ऑटोमोबाइल के द्वारा 25,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इनका एड्रेस डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ये गाड़ी लोन पर लेना चाहते हैं तो मात्र 50,000 डाउन पेमेंट करके आप इस ऑटो के मालिक बन सकते हैं। 2 साल से 5 साल तक की EMI स्कीम है और सबसे खास बात दोस्तों कि मात्र 5,500 रुपए मासिक किस्त पे भी इस गाड़ी को आप खरीद सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज कभी आप मिस ना कर सकें। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे किसी नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।